ट्रेडिशनल कश्मीरी थिंग्स, नॉट द केसर कहवा, बट जो हम लोग विंटर में, जैसे आप भी जानते होंगे कश्मीरी, हम विंटर में सिर्फिस्तान शांगर कहवा पीते हैं, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो हम विंटर में खाते हैं, जैसे कि कबाब कांदी फॉर वॉर्म्थ या हरीसा, वो चीज़ें हम यहाँ सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने इस इग्लू को एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश नहीं की है, एक एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है। तो ये जो हमारा इग्लू है, आप देख सकते हैं इसके दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक यहाँ का आर्ट स्पेस है, जहाँ पर हम लोगों ने लोकल आर्टिस्ट जो है हमारे, उन लोगों ने आर्ट यू नो अपना बनाया है। आप देख सकते हैं वॉल कार्विंग्स की हुई हैं, आइस स्कल्पचर्स बनाए हैं। और दूसरा एक सेक्शन है जो कि हमारा सिटिंग स्पेस है, जहां पर आप बैठकर यू नो यू कैन हैव सम कश्मीरी क्यूजीन, यू कैन सिट रिलैक्स, यू नो एंजॉय द एक्सपीरियंस, यू नो टू सिट इन अ आइस रेस्टोरेंट, एंड इग्लू रेस्टोरेंट इन इटसेल्फ इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो इस साल बर्फ लेट हुई, उस वजह से हमारा थोड़ा डिले हुआ स्टार्ट होने में, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बर्फ लेट हुई। तो वरना जनरली हमने पहले स्टार्ट किया होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन वेरी काइंड। हमने कोशिश की कि हम अपने कश्मीर के लिए एक ऐसी चीज बना सके जो सब कश्मीरी प्राउडली बोल सके, हाँ हमारे कश्मीर में, हमारे गुलमर्ग में वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू है। जी हमने अप्लाई किया है सर, पुराना रिकॉर्ड 2016 स्विट्जरलैंड में बना था, इस साल हमारा पुराने रिकॉर्ड से एटलीस्ट 4 फीट ऊपर है और डायमीटर भी हमारा ज्यादा है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम वो करें, अप्लाई किया है हमने, इंशाल्लाह उनका भी हमें अपडेट आ जाएगा। जी सर, तो इसकी लेंथ एंड हाइट इसकी 37.5 फीट है और इसका डायमीटर 44.5 फीट है। इसको 64 डेज लगे हैं कंप्लीट होने में और कम से कम 1700 पीपल ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स।